असलम एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट एम्पावर्ड ऑसिस। तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर कवर किया था उसके बाद ये फोर्थ लेक्चर है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पेज कैसे क्रिएट करते हैं वेबसाइट के अंदर, मल्टीपल पेजेस और हेडर और फुटर का क्या काम है और वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस वाली साइट को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लोकल में जाके। ये फिर जब ओपन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो यही मेथड है, आप जब क्लोज करें उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट में जाके इसको ओपन किया करें, मतलब स्टार्ट किया करें, उसके बाद जो है इसको ओपन किया करें। तो ये स्टार्ट हो रही है। तो उसके अलावा मैं हेडर और फुटर का थोड़ा इंट्रो दे दूं आपको कि हेडर क्या होता है। हेडर ये होता है कि जो जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पे जो चीज होती है वो आपका हेडर होता है, और उसके बाद सबसे जो बॉटम पे चीज होती है, बॉटम पे जो डिटेल्स होती है वो आपका फुटर होता है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। साइट भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं स्टूडेंट एम्पावर्ड वाली भी आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि हेडर और फुटर क्या होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो हेडर बार है, मतलब यहाँ पे होम, अबाउट अस, ये सारा कुछ लिखा है, ये आपका हेडर है, ठीक है, ये वेबसाइट का हेडर है। यहाँ पे मतलब टैब्स वगैरह होते हैं और यहाँ पे पेजेस होते हैं। उसके अलावा जब एंड में जाएंगे हम तो ये हमारा फुटर है, ये सारा, ठीक है, ये फुटर है, ये सारा कुछ और ये सारी डिटेल्स, ये हमारा फुटर है। ये पेज का बॉटम होता है और हेडर पेज का बिल्कुल टॉप होता है, और बीच में हम क्या रखते हैं, हम मतलब के डिजाइन्स वगैरह बना के वेबसाइट के, वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह और ये सब, ये सारी चीजें हम वेबसाइट पे रखते हैं, सही है। तो ये मिड में वेबसाइट का मतलब के वेबसाइट का क्या काम है, किस लिए बनाई गई है, ये सारा कुछ मिड में रखते हैं, और टॉप पे हेडर होता है और बॉटम पे फुटर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये हेडर है, ये वाला, ये सारा लोगो समेत और ये सैंपल पेज, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फुटर जो है वो बिल्कुल छोटा है, यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ ये, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा और उस वेबसाइट की तरह खूबसूरत भी बना सकते हैं, तो वो आप पे जितना खूबसूरत बनाएं, जितना आप उस पे काम करें। तो पेजेस बनाएंगे हम, यहाँ पे आपने पेजेस में जाके ऑल पेजेस में जाना है, ठीक है, ऑल पेजेस में जाके आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक पेज बना हुआ है सिर्फ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक ही आपके पास दो पेजेस होंगे। तो उन दो पेजेस में या एक पेज में आपने इसको क्या करना है, न्यू पेज कैसे क्रिएट करना है। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एड न्यू पेज में जाना है आपने, और ये ध्यान रहे कि आपने जो टूल्स मैंने प्लगइन्स बताए थे वो आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेने, जो मैंने इससे पहले लेक्चर में बताए थे वो सारे के सारे आपने इंस्टॉल कर लेने। उसके बाद यहाँ पे जाके एडिट विथ एलिमेंटर करना है आपने, मतलब इस पेज को आप एलिमेंटर के साथ, मतलब एलिमेंटर के थ्रू एडिट करना चाह रहे हैं, सही है। तो ये आपका हो गया, क्रिएट हो गया पेज, न्यू पेज, ठीक है, वो किस नाम से हुआ, एलिमेंटर नंबर 175, ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं बाद में, तो फिलहाल हम एलिमेंटर से इसको एडिट करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि होम पेज या लैंडिंग पेज और बाकी ऑर्डिनरी पेजेस में क्या डिफरेंस है। होम पेज या लैंडिंग पेज जो होता है वो जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, सबसे पहले जो आपका पेज आता है, लैंडिंग पेज आता है, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं या फिर होम पेज बोलते हैं, मतलब सबसे पहले आपका जैसे वेबसाइट खुलती है सबसे पहले जो चीजें शो होती हैं, जैसे मैंने अभी खोल के बताया आपको, वेबसाइट खोल के दिखाई, तो ये सारा जो कुछ है ये होम पेज है, ठीक है, ये हमारा हर वेबसाइट का एक होम पेज या लैंडिंग पेज लाजमी होता है। उसके बाद जितने आप पेजेस बनाएं वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके काम के ऊपर है कितने आप पेजेस बना रहे हैं, ये सारा कुछ, लेकिन एक पेज होम पेज लाजमी हर वेबसाइट का होता है, जिसमें वेबसाइट का वो, चाहे पोर्टफोलियो वेबसाइट हो चाहे कोई और वेबसाइट हो, एक पेज होम पेज लाजमी होता है, ठीक है। अब ये आपका हमारा एक पेज क्रिएट हो चुका है, अब हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एडमिन में जाके डैशबोर्ड में जाएंगे, इसको कहते हैं डैशबोर्ड, सही है। तो अब यहाँ पे जाके हम दोबारा पेजेस में जाएंगे तो हमारे पास देखें दो पेजेस आ गए, ठीक है, हमारे पास दो पेजेस आ गए। अब मैं इस पेज को मैं एडिट कर रहा हूँ,
इसको एडिट करके मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ भी मैं अगर चेंज करना चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक करूंगा, अब क्विक एडिट में जाके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, इसका अबाउट अस लिख लेता हूँ, अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद ये मेन पेज है, नई सैम्पल पेज है, ठीक है। उसके बाद अपडेट कर दिया, सही है। अब मेन पेज हमारा कौन सा है, ये फ्रंट पेज सैम्पल पेज, इसका नाम मैं एडिट करके यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है। ये होम पेज हो गया और ये मेन पेज है, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं होम पेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको अपडेट कर लिया, ये दोनों पेजेस का नाम चेंज हो गया, ठीक है। दोनों पेजेस का नाम चेंज हो गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जाके ये जो वेबसाइट है इसमें जाके कस्टमाइज में जाना है, सही है। कस्टमाइज में जाके मैं क्या करूंगा कि इसका जो ये दोनों मैंने पेजेस बनाए ये इस जगह पे मैंने रखने हैं, ठीक है। ये इस जगह पे एक और दूसरा इस जगह पे, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। एक इस जगह पे ये होम पेज आ गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये होम पेज ही था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया, और दूसरा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मतलब ओवर कर रहा हूँ माउस को, तो ये एडिट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इसको एडिट पे, इस पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे जाके मेरे पास कह रहा है कन्फिगर मेन्यू, यहाँ पे मेन्यू कन्फिगर करना है मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब ये डिटेल्स आ गई मेरे पास, तो मेरे पास कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट न्यू मेन्यू करूंगा और उसका नाम दूंगा होम, ठीक है। और ये प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करूंगा, ये मेरे पास होम नाम का एक मेन्यू क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं आइटम्स रखूंगा, ठीक है, एड आइटम्स, ठीक है। ये इस तरह है कि जैसे मैं आपको बताऊं, आप वर्ड में क्या करते हैं, एक हेडिंग देते हैं होम, ठीक है। उसके बाद उसकी सब मतलब उसके सब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो आ गया शॉप, ठीक है। उसके बाद अबाउट, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये भी इसी तरह है कि मतलब ये मेन हेडिंग हमारी होम है, उसके अंदर मैंने ये चीजें रखी हुई है। तो इसकी हेडिंग, इसका इसका जो साइज होता है वो ज्यादा होता है और ये छोटे होते हैं, ठीक है। इसी तरह ही है ये, जैसे वेबसाइट पे हम काम करते हैं। तो ये होम नाम का मैंने पेज बनाया, उसके अंदर मैंने आइटम्स रखने हैं, वो क्या रखने हैं, वो मैंने पेजेस रखने हैं, ठीक है। मैंने होम पेज रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा पेज रखना है, वो दूसरा कौन सा रखूंगा, दूसरा मैं कोई भी रख सकता हूँ, जैसे अबाउट अस वाला था, ठीक है। अबाउट अस मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, ये अबाउट अस रख दिया मैंने, और उसके बाद इसको पब्लिश कर दिया। इसको पब्लिश करने के बाद, इसको पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश हो गया, ये एक पेज क्रिएट हो गया, ये दूसरा पेज यहाँ पे होम पेज में आ गया। अब यहाँ पे ये होम पेज, उसके बाद अबाउट अस, ये दोनों क्रिएट हो गए यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों क्रिएट हो गए। अब मैं चेक करता हूँ ओपन साइट करके, यहाँ पे मैंने ओपन की वेबसाइट, तो एक होम पेज और एक अबाउट अस। तो अबाउट अस में जाता हूँ तो ये खाली है सारा, यहाँ पे फुटर है और यहाँ पे हेडर है, ठीक है। और बाकी मिडल जो पेज है वो खाली है, बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे मैं कुछ भी अबाउट इस वेबसाइट का अबाउट कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद होम पेज में जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे होम पेज में जाता हूँ अगर, तो वेब होम पेज में ये जो मैंने पोस्ट की हुई थी वो मेरे पास शो हो रही है, तो इसकी जगह ये मैं पोस्ट रिमूव करूंगा और इसको मैं एडिट करके यहाँ पे एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा। अब लैंडिंग पेज सिलेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि लैंडिंग पेज इस किस तरह सेलेक्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आप यहाँ पे सेटिंग में जाके आपने जाना है साइट होम पेज सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे होम पेज सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, होम पेज डिस्प्लेस में जाके स्टैटिक पोस्ट की जगह पे आपने स्टैटिक पेज पे सिलेक्ट करना है, लेटेस्ट पोस्ट की जगह स्टैटिक पेज सिलेक्ट करना है। और वो पेज कौन सा हो जो आपका वेबसाइट खोलने पे ओपन हो, वो होम पेज हो, ठीक है। अब मैं होम पेज सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आपके पास नहीं किया हुआ तो आप कर देना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मैं जैसे वेबसाइट खोलूंगा तो सबसे पहले मुझे होम पेज दिखाए वेबसाइट में। तो होम पेज पे फिलहाल तो पोस्ट की हुई है, ये पोस्ट रिमूव करेंगे आगे, फिर इस पोस्ट को रिमूव करके
आगे मैं आपको बताऊंगा कि होम पेज किस तरह डिजाइन करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैंने बेसिक बताया, होम पेज पेजेस क्रिएट करना, उसके बाद पोस्ट करना हमने सीख लिया ऑलरेडी, हेडर और फुटर ये दोनों चीजें। अच्छा, हेडर एडिट करना मैंने आपको बता दिया, फुटर किस तरह एडिट करेंगे, यहाँ पे फुटर में जाएंगे, यहाँ पे जाके एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ पे ये कॉपीराइट का जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, करंट ईयर वगैरह और ये थीम ऑथर ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके पब्लिश करेंगे, पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये हेडर और फुटर और उसके बाद पेजेस क्रिएट करना है, ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको होम पेज डिजाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।